welcome you all to our virtual platform. This is our class of Satyam School of Languages, and I welcome you all to the platform of Shikshakranti. Today is Hanuman Jayanti, और आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई हो, और सर आपको भी हनुमान जयंती की. सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. So my only question from you is that does the character of Hanuman not have a universal relevance or universal appeal? हनुमान जो है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए. जब हम ये कहते हैं कि हनुमान हमारे हैं, बस हनुमान जयंती सिर्फ हिंदुओं की ही जयंती है और विश्व की नहीं है, राष्ट्र की नहीं है, तो लगता है हमें कुछ सुनने की, सीखने की, जानने की ज़रूरत है. आप पूछेंगे कैसे? जी ज़रूर, कैसे जानने की ज़रूरत है. मान लीजिए अगर हम हनुमान जयंती मनाते हैं, ठीक है, मनानी चाहिए. अगर हम हनुमान जयंती को मनाने के पीछे के मतलब को समझे, सांस्कृतिक औचित्य को समझे, सांस्कृतिक महत्व को समझे, तो हमें कुछ एक बातों का पता चलेगा. उदाहरण के लिए हनुमान जो थे वो बल के पर्याय थे, वो बुद्धिमत्ता के पर्याय थे, वो बलवान थे, वो बुद्धिमान थे. तो क्या बलवान होना और बुद्धिमान क्या सार्वभौमिक गुण नहीं है? जी ज़रूर. जब ये सारे सार्वभौमिक गुण हैं, हनुमान सेवा का कार्य करते थे. हनुमान का जन्म राम के कार्यों को संपूर्ण करने के लिए हुआ था. राम का कार्य मतलब अच्छाई की स्थापना, धर्म की स्थापना, सच्चाई की स्थापना, सर्व कल्याण के कार्य के लिए. यानी हनुमान फिर से सेवा के पर्याय है. तो क्या सेवा एक सार्वभौमिक गुण नहीं है? Isn't the value of service to mankind a universal value? Doesn't the value of service have universal relevance? Indeed, it is. Yeah, it is indeed. आज का जो हमारा फेलियर है, हम बड़ों का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि जब भी हम बच्चों को बताते हैं, हम एकदम से बोलते हैं हिंदू एक संप्रदाय है, हिंदू संस्कृति है, लेकिन यह संप्रदाय नहीं है. अगर हम हिंदू संप्रदाय से ही हनुमान जयंती को जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा? बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे कि क्या सचमुच हनुमान तो हमारे ही है, जबकि हनुमान तो विश्व के है, हनुमान तो राष्ट्र के है, हनुमान विश्व के है, हनुमान तो मानवता के है. क्यों? क्योंकि बल भी मानवता को चाहिए, मानवता को भी बलशाली होना चाहिए, मानवता को बुद्धिमान भी होना चाहिए, और मानवता में सेवा का भाव भी होना चाहिए. सो वी कैन से दैट लॉर्ड हनुमान इज an epitome of power, knowledge and selfless service. Of course he is believed to be the bravest and wisest incarnation of Lord Shiva. Hamari sanskriti jo kehti hai wo rudra avatar the, shiv ke 11th avatar the, jo sabse buddhiman aur balwan avatar shiv ke mane jate hain, jinka janam अच्छे कार्य करने के लिए हुआ था. तो आज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मुझे एक कहानी याद आ रही है हनुमान जी के चरित्र से लेकर. बोलिए. कि एक बार बड़े बड़े स्किल्ड लोग थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अर्जुन भी थे. तो अर्जुन ने कहा कि इतना स्किल्ड हूँ, मैं एक बाण चलाऊँगा और बाण से मैं पुल बना दूँगा. अर्जुन ने अपने बाण चलाए समुद्र पर और एक पुल बना दिया. और जैसे ही हनुमान जी एक पैर रखते हैं उस पर, तो बहुत तहस नहस हो जाता है. तो इस कहानी का एक मर्म निकल कर आता है, मोरल निकल कर आता है, वो इस प्रकार से है कि हमारे पास स्किल हो सकती है, परंतु उस स्किल में अगर हम्बलनेस नहीं हो तो वेरी स्किल, वो सेम स्किल हमारी दुश्मन बन सकती है. तो जो हम्बल इन स्किल है, क्योंकि जो हनुमान जी विनम्र है, जो हनुमान जी है, हनुमान जी विनम्र भी है, जब वो बुद्धिमान भी है, जब उनके अंदर पावर भी है, नॉलेज भी है, परंतु साथ ही साथ वह विनम्र है. उन्होंने एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ थिंकिंग अपने माइंड में रखी है कि वह विनम्र रहेंगे सच्चाई के प्रति. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा. जैसे अभी हम कह के आते हैं कि वो सार्वभौमिक एक चरित्र है. अगर रामायण को अगर आप एक एपिक समझे, यानी महाकाव्य समझे, तो महाकाव्य में जो हनुमान के चरित्र हैं, हनुमान का मतलब है, हनु मतलब खत्म करना, हनन करना, मान मतलब अभिमान. जिसने अपने
अभिमान पर विजय प्राप्त कर ली है वह हनुमान है। तो आप सोचिए कि जो विनम्रता का गुण है वो सार्वभौमिक है कि नहीं है। जी। तो आपकी कहानी से एक और बात निकल के आती है कि वास्तव में ये वैश्विक गुण हैं, वैश्विक मूल्य हैं। तो हमारी जो हमारे सद साहित्य है, हमारे ये महाकाव्य है, अनेक प्रकार के पात्रों से, सुपात्रों से और चरित्रों से भरे पड़े हैं। समय की मांग है इनसे सीखने की, ना कि ये हमारे हैं ये उनके हैं इससे सीख लेनी है। तो जितने भी हनुमान में आज हमने गुण और मूल्य सीखे हैं वो थे जैसे बल का गुण है, बुद्धिमत्ता का गुण है और विनम्रता का गुण है। तो आज इन गुणों का लोप सा हो रहा है, तो आज हमें इन गुणों को आत्मसात करने की शपथ लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर, और अपने चारों ओर संदेश देना चाहिए, सांस्कृतिक संदेश देना चाहिए कि हमें हनुमान जयंती मनानी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हनुमान जी के चरित्र से संदेश लेना चाहिए वह संदेश है विनम्रता का। आज के युग में हमारे पास हर इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जिम है, तरह तरह के हमारे पास सुविधाएं हैं जिससे हम लोग अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज ले सकते हैं। परंतु आजकल जिस बात की कमी है आज के समय में वह है विनम्रता का। जी बिल्कुल। तो वही सीखनी है विनम्रता। विनम्रता के लिए ज़रूरी है कि आप समय व्यतीत करें लोगों के साथ, गुरुजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने आचार विचार और व्यवहार का ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले सत्यन सर का धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें मौका दिया आपसे क्वेश्चन पूछने का हनुमान जयंती के मौके पर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके पास भी कुछ विचार होंगे हनुमान जयंती को लेकर, तो आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ हमें अपना आशीर्वाद दे अपने विचारों से और अपने फीडबैक से। क्योंकि जब आप हमें अपने विचार बताएंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है तभी हमारे मिशन का मकसद पूरा हो सकता है। क्योंकि हमारा एंड गोल तो यही है कि हम मूल्य आधारित समाज बनाएं, हम वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और हम एक समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पर विनम्रता हो और मूल्य हो और साथ ही साथ एक स्वच्छता का विचार भी हो। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे इस प्रयास को आप सराहना दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।